हेलो गाइज, आपके अपने चैनल शेमा के स्टॉकर में आपका स्वागत है। सो गाइज, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक स्टूडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहां पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन करके जो भी आपकी क्वेरी है वो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे नेलको इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज की कंडीशन की बात करें तो इसमें ना तो ज़्यादा डाउनफॉल है, ना इसमें जो कि प्लस देखने को मिला है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। एंड ऑफकोर्स गाइज, इसकी सिचुएशन है, इतनी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन है, क्या है, क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, पूरा डिस्कशन इस वीडियो के थ्रू करेंगे। सो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, अदरवाइज एक लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ मिस कर जाएंगे। तो आज के हाई की बात करें 459.90 रुपये इसका आज का ही है। लो की बात करें 448.75 रुपये इसका आज का लो। अगर बाउनिक हाई की बात करें 551.85 रुपये इसका बाउनविक हाई है। लो की बात करें 210.10 रुपये इसका बाउनविक लो। अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम जो कि इसका बाउनविक हाई है वहीं इसका मैक्सिमम है। कंडीशन काफ़ी बेहतरीन है ऑफकोर्स गाइज, क्योंकि यहां पर फाइनेंशियल को देखेंगे तो इतना ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल आप किस जो कि जल्दी से किसी भी शेयर में नहीं देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके एनालिसिस की बात कर लेते हैं। तो गाइज, यहां पर एनालिसिस की बात करें तो NSE पे जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है आज वो करीब करीब 65 लाख के आसपास वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। BSE की बात करें तो BSE पर भी 2.25 लाख क्वांटिटी के आसपास वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। अगर बात करें इसके शॉर्ट एनालिसिस की तो 11 स्ट्रेंथ है, 5 वीकनेस है, 3 अपॉर्चुनिटीज हैं, एक इसमें थ्रेट भी नजर आ रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें इसके जो कि 2 दिन की बात करें तो यहाँ पर लगातार डंपिंग हो रही है, बट इसमें बड़ी डंपिंग अभी दिख नहीं रही है। इवन छोटी छोटी क्वांटिटी यहाँ पर जो कि डंपिंग की जा रही है। एंड अगर बात करें इसके सेंटिमेंट की तो सेंटिमेंट अभी एट प्रेजेंट जो है 86% बाय का, 4% सेल एंड 10% होल्ड करने का सेंटिमेंट इसमें नजर आ रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें इसमें जो कि रिजल्ट की तो आप यहां पर एक चीज नोटिस करेंगे कि यहां पर रिजल्ट है एक साल में करीब करीब 1.5 गुना जो कि यहां पर रेवेन्यू में जंप आया है, जो कि 31,237 करोड़ के साथ जो कि सितंबर 2020 में रेवेन्यू था, जो कि अभी सितंबर 2021 में 47,665 करोड़ का रेवेन्यू शो किया है। इट मीन्स कि 1.5 गुना के आसपास यहां पर रेवेन्यू में जंप देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में यहां पर करीब करीब 9 गुना के आसपास नेट प्रॉफिट ने जंप किया है। सितंबर जो 2020 का जो क्वार्टर था उसमें 387 करोड़ का रेवेन्यू था और अभी सितंबर 2021 की बात करें तो 3417 करोड़ का यहां पर जो कि नेट प्रॉफिट अर्न किया है। एंड अगर बात करें अर्निंग पर शेयर की तो यहां पर भी सेम सिचुएशन है जो कि नेट प्रॉफिट की है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें होल्डिंग की तो यहां पर जो होल्डिंग है पब्लिक होल्डिंग यहां पर सिर्फ और सिर्फ 18.97% है। रिमेनिंग की बात करें तो बड़ी यहां पर इन्वेस्टिंग जो कि बड़े इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टिंग जो कि ऑलरेडी मौजूद है। डोमेस्टिक की बात करें तो 20.62% होल्डिंग है। एंड अगर बात करें फॉरेन इन्वेस्टर्स की तो 25.47% FII की होल्डिंग है। प्रमोटर की बात करें तो 34.64% जो कि एक साल से बिल्कुल बरकरार है। यहाँ पर थोड़ा सा 0.01% के साथ जो कि डाउनफॉल देखने को मिला। एंड अगर बात करें अदर्स की तो 0.3% के साथ अदर्स की भी एंट्री मौजूद है। FII की बात करते हैं तो होल्डिंग को यहाँ पर इंक्रीज किया गया है सितंबर क्वार्टर में। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पर होल्डिंग को भी इंक्रीज किया गया है सितंबर क्वार्टर में। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक होल्डिंग में डाउनफॉल देखने को मिला है सितंबर क्वार्टर में। अदर्स की बात करें तो अदर्स की एंट्री में भी यहाँ पर जो कि प्लस देखने को मिला है। इट मींस कि यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट काफ़ी यहाँ पर दिख रहा है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो होल्डिंग को इंक्रीज किया गया 0.04% के साथ। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो 0.52% के साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी एंट्री को प्लस किया गया है यहाँ पर सेप्टेम्बर क्वार्टर में। एंड अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ शेयर की तो टोटल नंबर ऑफ शेयर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो 210 करोड़ के आसपास जो कि टोटल नंबर ऑफ शेयर है, जिसमें से करीब करीब 76.5 करोड़ के आसपास प्रोमोटर एंड प्रोमोटर ग्रुप के पास है। रिमेनिंग की बात करें जिसमें से पब्लिक भी इंक्लूड है, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी, डोमेस्टिक भी एंड अदर्स की भी एंट्री उसी में ही है। तो गाइस, जो रिमेनिंग है वो पब्लिक के पास है। एंड अगर बात करें इसकी लेटेस्ट न्यूज़ की तो गाइस यहाँ पर कुछ टाइम पहले इसने डिविडेंड भी दिया था। डिविडेंड हिस्ट्री इसकी ज़्यादा इवन इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शेयर प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ टाइम पहले अगर आप देखेंगे
तो शेयर प्राइस जो कि 100 रुपये से भी नीचे हुआ करता था। अगर बात करें यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि अप्रैल 2020 में इसका प्राइस जो कि करीब 100 रुपये से भी नीचे हुआ करता था, और अभी एट प्रेजेंट आपको 450 रुपये के आसपास इसका फ्लक्चुएशन जो कि मार्केट में नजर आ रहा है। तो गाइज अभी इस प्राइस में भी आप एंट्री कर सकते हैं जिस तरीके का जो अभी फाइनेंशियल है उस फाइनेंशियल को देखते हुए, क्योंकि एक बेहतरीन सिचुएशन होने वाली है, काफ़ी चांसेस हैं शेयर प्राइस के ऊपर जाने के, एक बेहतरीन इसका फाइनेंशियल है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें फेस वैल्यू की, तो 1 रुपये फेस वैल्यू अभी एट प्रेजेंट जो कि मौजूद है। एंड अगर बात करें इसकी जो कि इसने ऑफकोर्स गाइज इसने बोनस भी दिया है काफ़ी टाइम, 2-3 बार इसने बोनस भी इशू किया है। स्प्लिट की बात करें तो 2005 में इसने 10 रुपये फेस वैल्यू को 1 रुपये किया है। राइट इश्यू की बात करें तो राइट इश्यू भी 2 बार निकाल चुका है, 2005 में 2008 में, एंड एक अच्छे खासे प्रीमियम के साथ भी निकाला है। इवन उस टाइम पर करीब करीब 100 रुपये के आसपास इसकी वैल्यू हुआ करती थी। तो गाइज एक अच्छा, एक बेहतरीन स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल शेयर आपको मिल रहा है काफ़ी अच्छे खासे प्राइस में। तो गाइज एक जो कि अगर आपका टारगेट 100 शेयर का है, तो ऑफकोर्स गाइज आप 60 से 70 शेयर आप अभी भी इस प्राइस में भी एंट्री कर सकते हैं, एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर।